नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कोशिश करती हूँ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी की जाती है उसकी जानकारी सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आऊँ। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नोटिफिकेशन की जानकारी जो कि 12 अगस्त को दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है, जिसमें दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन जिसे DMC कहते हैं के द्वारा एक मीटिंग की गई, जिसमें सारी वह सरकारी योजनाएं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए चलाई जाती हैं उनको रिव्यू किया गया। माइनॉरिटी कमीशन ने आगे यह दिल्ली के शिक्षा विभाग से कहा कि वह उन्हें उन सभी विद्यार्थियों की डिटेल्स दे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं जो और अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, यानी कि दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं जो कोई एड जिन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा मिलती नहीं है, ऐसे प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जानकारी दे। और वह बच्चे वही होने चाहिए जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख से अधिक ना हो। साथ ही वह बच्चे एलिजिबल हो यानी कि इस लायक हो कि वह रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी उन्हें मिल सके। साथ ही इस नोटिफिकेशन के साथ एक और सर्कुलर की कॉपी जोड़ी गई है। सभी जो प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, हेड ऑफ द स्कूल्स हैं, उन्हें कहा गया है कि यह महत्वपूर्ण जानकारी उन बच्चों की जो कक्षा पहली से 12वीं में पढ़ रहे हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं और जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम है, उनकी जानकारी सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स DDE डिस्ट्रिक्ट को भेजें और आगे DDE डिस्ट्रिक्ट सभी जानकारी को इकट्ठा कर अच्छे तरीके से कंपाइल कर आगे एक ईमेल आईडी लिखा है उस पर मेल करें। यानी कि मोटे तौर पर कह सकती हूँ कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जो ट्यूशन फीस रीइंबर्समेंट से संबंधित स्कीम के फ़ायदे हैं वे बच्चों तक, माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, उन बच्चों को तक जिनकी सालाना आय 3 लाख से, जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख से अधिक नहीं है और वे माइनॉरिटी कम्युनिटी से संबंध रखते हैं। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।